बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो कंपोजिशन होती है ना, वो वेरिएबल होती है। अब कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस भी इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से जो है ना वो बेंथिक और ब्लू एल्जी, ग्रीन एल्जी के लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो अराइज हो जाती है। इसके अंदर क्या मौजूद है? कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस मौजूद होती है। कंसिडरेबल अमाउंट्स ऑफ फास्फोरस आर इन्वॉल्व्ड। फास्फोरस इसकी वजह से क्या होता है? प्रॉब्लम्स हो जाती है विद बेंथिक और ब्लू ग्रीन एल्जी के लिए। क्लियर है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के अंदर क्या मौजूद है? फास्फोरस मौजूद है, और फास्फोरस की जो है तादाद या जो अमाउंट है वो बेंथिक और ब्लू ग्रीन एल्जी के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। इसकी रीज़न ये है कि इनको जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं मिलती। जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो डेफिनेटली इनकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाती है, वो रिटार्ड हो जाती है। अब ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर होती है ना, वो डीकम्पोज हो जाती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या हो जाती है? इनमें ये एबिलिटी है कि ये डीकम्पोज हो जाती हैं, और इस तरह के एक्शन के लिए जो है ना वो इसके इंक्रीज हो जाता है, इनकी जो तादाद है या इनका जो लॉस है ना वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इनमें क्या एबिलिटी है कि ये बहुत तेज़ी के साथ क्या हो जाती है? डीकम्पोज हो जाती है। और ये जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डीकम्पोज हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है कि वेस्ट हो जाती है, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लॉसेस, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ लॉसेस। ठीक है, अब जैसे ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ने क्या किया, स्टिमुलेट किया बैक्टीरियल ग्रोथ, तो इनके इस्तेमाल से क्या हुआ है? ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ी है। जब ज़्यादा हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लेते हैं तो उसके नतीजे में ऑक्सीजन की डिप्लीशन हो जाती है, और इस तरह से कल्चर स्पीशीज़ की जो मॉर्टेलिटी है वो क्या हो जाती है? वो इंक्रीज हो जाती है। अब इंक्रीज बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है? बॉटम की जो एसिडिटी है वो भी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। क्लियर है? एक तो मैंने ये बताया कि अमाउंट ऑफ फास्फोरस ज़्यादा होने की वजह से बेंथिक और ब्लू ग्रीन एल्जी के लिए क्या आ रही है? प्रॉब्लम्स आ रही है। दूसरा मैंने कहा ये बहुत आसानी से डीकम्पोज हो जाती है, और इसकी वजह से इसका जो लॉस का है वो जो अंदेशा होता है वो ज़्यादा हो जाता है। थर्ड पॉइंट ये है जी, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इसने किसको स्टिमुलेट किया है? इसने स्टिमुलेट किया कि बैक्टीरियल ग्रोथ हो, बैक्टीरियल ग्रोथ हो। ठीक है, अब जब बैक्टीरियल ग्रोथ हुई है तो उसके नतीजे में क्या हुआ है? इंक्रीज हुई है ऑक्सीजन डिमांड। इंक्रीज क्या हुई है? ऑक्सीजन डिमांड। और जब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी है यूजिंग टू मच फर्टिलाइजर। अब जबकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया है तो इसके नतीजे में क्या हुआ है? ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन डिप्लीटेशन हुई है, डिप्लीटेशन। और इसके साथ साथ क्या हुआ है? इसके साथ ये हुआ है कि मॉर्टेलिटी हुई है कल्चर्ड स्पीशीज की, मॉर्टेलिटी हुई है कल्चर्ड स्पीशीज की। क्लियर है? अब जैसे ही बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ी है उसके साथ साथ बॉटम की एसिडिटी क्या हुई है? वो इंक्रीज हुई है, इंक्रीज्ड बैक्टीरियल ग्रोथ आल्सो इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ द बॉटम। इसने क्या किया है? एसिडिटी को बढ़ा दिया है। किसकी एसिडिटी को बढ़ाया है? बॉटम की एसिडिटी को बढ़ाया है। क्लियर है? अब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हो रहा है तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ रहा है, डिजीजेस ज़्यादा लगने का खदशा हल्क हो रहा है। अब जैसे ही
रिस्क भरा है तो रिड्यूस्ड हुआ है मेन्यूर बाय कंपोजिटिंग दी मेन्यूर, यानी कि प्रोसेसिंग जिसमें पासिंग पासिंग हॉट एयर्स की जाती है, फिर हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल किया जाता है इस्तेमाल से पहले। क्लियर है? रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ा है, ठीक है। अब क्या है, सबसे ज्यादा जो मेन डिसएडवांटेजेस की बात करूँ ना अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की, वो है बल्क। वो क्या है बेसिकली, बल्क, जिसके लिए इनकी बल्क होता है यानी कि ये हैवी होती हैं, तो हाई ट्रांसपोर्टेशन होती है इनके लिए रिक्वायर्ड, हाई ट्रांसपोर्टेशन, हाई ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है। और इसके साथ साथ क्या आई है, लेबर कॉस्ट भी इन्वॉल्व हुई है हाई ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेबर कॉस्ट आल्सो इन्वॉल्व। और अक्सर औकात क्या होता है कि स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पर मेन्यूर को स्टोर किया जाता है और इनको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। इनकी कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया जाता है, मेन्यूर को स्टोर किया जाता है। स्पेशल फैसिलिटीज वेयर द मेन्यूर कैन बी स्टोर्ड हैव टू बी कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। और एक और बात ये कि आर्ट्रीमिया पॉन्ड्स की अगर बात की जाए, किसकी बात करने लगी हूँ, आर्ट्रीमिया पॉन्ड्स, आर्ट्रीमिया पॉन्ड्स, ठीक है, इनको कन्वर्ट किया जाता है जब श्रिम्प पॉन्ड्स के अंदर, किसके अंदर, श्रिम्प पॉन्ड्स में जब इनको कन्वर्ट किया जाता है आर्ट्रीमिया पॉन्ड्स को, श्रिम्प पॉन्ड्स के अंदर, देन सारी की सारी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना एक्यूमुलेट हो जाते हैं बॉटम में और उसको बाद में क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। ऑल ऑर्गेनिक वेस्ट वो कहाँ पे इकट्ठा हुआ होता है, बॉटम में, हैज टू बी रिमूव्ड, क्योंकि क्या किया जाए, रिमूव कर दिया जाए। तो इस तरह से जो है ना वो सारी के सारी जो हमारी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होती है वो वेस्ट हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और इसमें जो है ना वो लेबर इंटेंसिव जॉब भी रिक्वायर्ड होती है। तो इन अदर वर्ड्स ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, और दूसरे इसके अंदर वेस्टेज का भी अंदेशा है। ये क्या है, एक्सपेंसिव हो जाता है, एक्सपेंसिव एंड आल्सो लेबर इंटेंसिव जॉब। क्लियर है? ये थे बेसिकली डिसएडवांटेज ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के। एक तो फास्फोरस का इस्तेमाल मैंने कहा कि ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये कि डिकम्पोजिशन इनकी बहुत जल्द हो जाती है जिसकी वजह से जो है ना इसके लॉस का खतरा होता है। थर्ड कि ये कि बैक्टीरियल ग्रोथ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। जब बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है तो ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। अब ऑक्सीजन डिमांड को पूरी करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया जाता है। जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होते हैं तो ऑक्सीजन डिप्लीटेशन हो जाती है, ठीक है, मोर्टेलिटी कल्चर फिशेज की हो जाती है, बैक्टीरियल ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। जब बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो एसिडिटी बॉटम की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन हो जाते हैं। सबसे मेजर ये कि बल्क है इनका, हाई ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड होती है। जब हाई ट्रांसपोर्टेशन रिक्वायर्ड है तो डेफिनेटली लेबर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी। और मजीद ये कि जो आर्टीमिया पॉन्ड्स होती हैं जब उनको कन्वर्ट किया जाता है श्रिम्प पॉन्ड्स के अंदर, तो सारी की सारी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होती है वो इकट्ठी हो जाती है बॉटम में, उसको देन उसको रिमूव किया जाता है, देन आल्सो वेस्टेज अकर। तो इस तरह से क्या होता है, लेबर इन्वॉल्व होते हैं, इंटेंसिव जॉब होती है, ये एक्सपेंसिव हो जाता है काम। क्लियर है?